हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौरियों, टिकट कटाने लैंड बनाने के लिए तैयार हो जाओ, अब ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबा जारी रखने की इजाजत दे दी, तारीखी मकामात के तहफ्फुज़ के लिए 30 दिन के अंदर इकदामात का हुक्म। तारीखी इमारतों की हिफाजत के लिए रफ्तार कम रखने, इरताश नापने के आलात लगाने समेत 31 शराइत आयद। ऑरेंज ट्रेन 2 हफ्तों के लिए आजमाइशी बुनियादों पर चलाई जाए, अदालती फैसला। मंसूबे की लागत 164 अरब रुपए से बढ़कर 260 अरब तक पहुंच गए। ऑरेंज लाइन मुखालफीन को मुंह की खाना पड़ी, तहरीक इंसाफ ने नून लीग से बदला, लाहौर के आवाम को तंग करके लिया, गंदी सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचा, शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एटीएम फ्रॉड में बैन अलाक्वामी गैंग मुलव्वस, गिरफ्तार मुल्जिम साकिब 11 रोजा रिमांड पर एफआईए के हवाले। खवातीन की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का भी इंकशाफ, भारतीयों समेत गैर मुल्की हैकर से राबतों की तस्दीक। फेसबुक पे इनका इंटरेक्शन है, उसमें इंडियन हैकर ने इसको बकायदा ये टास्क दिया हुआ है कि ये जाके जो एटीएम मशीन्स हैं उनकी तस्वीरें ले, ताकि फिर उसी हिसाब से ये जो एमएसआर जो मशीन है या जो स्किमर है वो ऑर्डर दे सकें जब चाइना में, और फिर वहां से ये स्किमर्स मंगवाई जा सकें। शॉपिंग मॉल्स और होटलों में कैशियर की मदद से गड़बड़ घोटाला, मशीनों के साथ स्कैमिंग आला लगाकर आवाम को चूना लगाने का इंकशाफ। शहरी डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपने सामने स्वैप कराएं, एफआईए ने खबरदार कर दिया। अच्छी तरह इंस्पेक्ट करें कि इस किमर का कलर रेस्ट ऑफ द मशीन, जो बाकी मशीन है उससे अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो आप अपने कार्ड को इस्तेमाल न करें। किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी शॉपिंग मॉल में या किसी भी शॉप पे आप अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट या डेबिट जो भी है आप उसको यूज करते हैं, उस चीज को इंश्योर करें कि वो आपकी मौजूदगी में यूज हो। एक महीना कबीलनी दी ना खिदमत करनी है, उस तो बाद उमरा करके बच्चियां घर आ जान, बस जी सानू यही उन्होंने कहा है, सानू नहीं पता सी इन्होंने साढ़े ना धोखा करना है। इंसानी स्मगलर अब जिस्म फरोशी का धंधा भी कराने लगे, एफआईए फैसलाबाद का पीर महल में छापा, 2 बहनों को बैरून मुल्क भेजने में मुलव्वस, माँ बेटा गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे, बच्चियों की बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें। ग्रोह के जो करिंदे हैं वहां पे उनको वहां से सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी अथॉरिटीज के साथ मिलके एक्शन लेके उनको वहां पे अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान वापस भेजे ताकि हम उनके ऊपर मजीद लीगल कार्रवाई कर सकें। अफराद को जलाने का मरकजी मुल्जिम, दुबई में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले, सानिया बल्दिया में 5 साल से मतलूब, हम्माद सिद्दीकी की जल्द वतन मुंतकली का इम्कान। एमकेएम का हैदराबाद में पावर शो, अकबरी ग्राउंड में जलसा, मुखालफीन अवामी फैसले का इंतजार करें, तनकीद का खेल बंद किया जाए, चाइना कटिंग पर मुहाजिरों के घर ही क्यों गिराए जा रहे हैं, रहनुमाओं का खिताब। इस एमकेएम को यकीन है कि उन्होंने 2018 में या जब भी इलेक्शन होंगे उन्होंने ये इलेक्शन जीतना नहीं है। ये ड्रामेबाजियां इसलिए कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन तक
उनको खाने कमाने का मौका दिया जाए, उनको करप्शन करने का मौका दिया जाए। मुतहदा कहें या ममी, कौमी मूवमेंट, फैसला आवाम का। अक्सरियत साबित करने के लिए जलसों का ड्रामा किया जा रहा है। मुस्तफा कमाल की तनकीद, कराची और हैदराबाद के मेयर्स पर करप्शन का इल्जाम। सलमान मुजाहिद पीएसपी में शामिल। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन कौमी असेंबली रशीद गोडियल की सियासत से किनारा कशी, मुश्किल वक्त में कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, रहनुमा मुतहदा से भी ला ताल्लुक। ताहिरुल कादरी, आज मैं तुम्हें यहां से पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ निकलेंगे। जिन्होंने हुक्म दिया था पुलिस को गोलियां मारने के लिए और जिसमें हमें पता है एक राणा सनाउल्ला, वो पंजाबी फिल्म में बड़े आराम से विलन का रोल प्ले कर सकता है, तो पहले राणा सनाउल्ला तुम्हें भी इंशाल्लाह हम जेल में पहुंचाएंगे। रिपोर्ट के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक जड़ पकड़ने लगी। इमरान खान ने एहतजाज में ताहिरुल कादरी की हिमायत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ को भी जेल भिजवाने का अहद। आसिफ जरदारी पर भी वार कारी। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वो वाकया ऐसा था, पब्लिक कितनी आ गई कि आसिफ जरदारी को जोश चढ़ गया डांस करने का, या उनको किसी ने पानी की बोतल में पता नहीं पानी ऐसा पिला दिया कि उनको डांस करने का शौक आ गया, ये नहीं मुझे पता। 30 मार्च से पहले हुकूमत के किक मार्च की बातें मीडिया के लिए, फरवरी में हथकड़ियां लगने की पेशगोई। शेख रशीद ने नई तारीख दे दी, शरीफ खानदान की सियासत खत्म करने का भी दावा। अगर शरीफ खानदान सियासत में नेस्त और नबूद न हुआ तो मेरा नाम राणा सनाउल्ला रख देना। अगर इमरान खान की मैं हुकूमत न ला सका तो मैं सियासत को खैर बात कह जाऊंगा, मैं चस्का ग्रुप नहीं हूँ। मालूम नहीं था पीपल्स पार्टी इतनी बेसहारा हो गई। जरदारी कादरी मुलाकात पर फजल रहमान का तबसरा, समीउल हक के जाने से मुतहदा मजलिस अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा। जेयूआई सरबरा की लाहौर में मीडिया टॉक। सेनेट इंतखाबात से पहले ही कबल वक्त इलेक्शन का मुतालबा, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए रजामंद, कप्तान को मनाने का टास्क ताहिरुल कादरी के सुपुर। काटा इस्लाहात बिल पीर को कौमी असेंबली में पेश करने का ऐलान। 10 साल सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईसीसी को इसी माह भिजवाने का फैसला। एफसीआर खात्मे से मुतालिक गवर्नर को पैगाम भेज दिया, वजीरे सरहदी उमूर की गुफ्तगू। बंदरों का जिक्र, अरकान कौमी असेंबली को फिक्र, इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी नहीं लगा सकते, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की बेबसी। सिर्फ सिटी मंसूबा गले में फंसी हड्डी करार, वुजरा फिर गायब, स्पीकर बरहम। मेयर लंदन की लाहौर के बाद कराची में मजार कायद पर हाजिरी। बरतानिया में तमाम मजाहिब को आजादी है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी, सादिक खान की मीडिया से गुफ्तगू। कुलसुम नवाज का लंदन के अस्पताल में चेकअप, नवाज शरीफ भी मौजूद। तीसरी कीमोथेरेपी के असरात का जायजा लेने के लिए तिब्बी मुआयना किया गया, मरियम नवाज का ट्वीट। ट्रंप के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज, किबला अवल को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का अमरीकी फैसला नामंजूर। मुलगीर एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे, अमरीकी कौंसुलेट के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। दूसरों को आग में झोंकने वाले अमरीका को अपनी फिक्र पड़ गई, शहरियों को पाकिस्तान में गैर जरूरी सफर और एहतजाज वाले मकामात से दूर रहने की हिदायत। फलस्तीनियों का हमास की नई तहरीक का आगाज, हिजबुल्ला की हिमायत, गजा और मगरबी पट्टी में मुजाहिरे। इसराइली फौज तैयारे और टैंक लेकर चढ़ दौड़ी, फायरिंग से दो शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी।
عالمی سطح پر احتجاج کے بعد امریکہ ایک قدم پیچھے، دو سال تک سفارتخانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ٹلرسن کا اعلان۔ سرکار خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گئی، سری کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، دو افراد شہید، پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب، چیک پوسٹ تباہ، ایک فوجی ہلاک، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان کا بڑا اقدام، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی اہلیہ اور والدہ کو ملنے کی اجازت، ملاقات 25 دسمبر کو طے۔ بھارت لڑ کر کشمیر حاصل نہیں کر سکتا، پاکستان نے ڈر اندازی کے الزامات مسترد کر دیے، اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ بلگیر آپریشن رد الفساد، شمالی وزیرستان، اورگزے ایجنسی اور پنجاب میں چھاپے، دہشت گردوں کے 18 سہولت کار اور سمگلر گرفتار، اسلحہ اور بارود برآمد۔ دوسرے روز بھی سمندر میں لاپتہ افراد کی تلاش، مرنے والوں کی تعداد 22 ہو گئی، بیشتر کا تعلق کراچی سے، 15 کی تقسیم۔ سیکیورٹی مسائل، کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی معطل، آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کی کے ڈی اے حکام کو تعاون کی یقین دہانی۔ کراچی اور ٹھٹھا میں موٹر اسپورٹس لورز کے لیے بری خبر، سندھ سرکار جاگ گئی، ون ویلنگ اور گاڑیوں کی ریس لگانے پر پابندی، 6 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ پتوکی میں ملتان روڈ پر آتی زدگی، آگ سے ٹیکسٹائل مل میں لاکھوں روپے کا نقصان۔ نے پھر روپے کو رون ڈالا، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر 107 روپے 50 پیسے پر پہنچ گئی، ملک پر قرضوں کا بوجھ 160 ارب روپے بڑھ گیا۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں چوتھی بار اضافہ، دام 10 کلو روپے بڑھ کر گھریلو سلنڈر 120 روپے اور کمرشل 450 روپے مہنگا۔ ورلڈ ریکارڈ بنانا محمد راشد کے بائیں ہاتھ کا کام، کراچی کے نوجوان کو سب سے زیادہ ڈرنک کینز کرش کرنے کی فکر، فائٹر نے ایک بار پھر گنیز بک میں نام درج کرانے کی ٹھان۔ موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام شیخوپورہ میں رنگا رنگ سپورٹس میلا، آخری روز رسہ کشی و مندور کے مقابلے، روایتی رقص نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔